सबरी के बेर खाए होंगे रामचंद्र जी ने जब साथियों, तो आप सोच सकते हो सबरी माता जो थी उन्हें खुद बेर टेस्ट कर करके खिला रही थी, और आप समझ सकते हो कि रामचंद्र जी को सबरी के बेरों में कितना उन्हें आनंद प्राप्त हो रहा था जब वो सबरी के बेर खा रहे थे। रामचंद्र जी जातिवाद को नहीं मानते थे। यहाँ पर हम सबरी के बेरों से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वो खुद जो बेर उन्हें बहुत मिठास वाला लग रहा था वही श्री राम को अर्पित कर रही थी। यहाँ पर उनकी भक्ति जो है वह स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, और रामचंद्र जी भी उन्हें उतने ही प्रेम से एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। आज के समाज में जो हमारे यहाँ जातिवाद, भेदभाव, दुर्भावनाएं आ रही हैं, क्या हमें इस प्रसंग से जोड़ करके इस सबरी वाले प्रसंग को देखना नहीं चाहिए? साथियों, आप सोच लीजिए, ये कोई बात करने का ही मुद्दा नहीं है, ये है महसूस करने का टॉपिक भी है। दोस्तों, मैं केवल बातों की बात नहीं कर रही हूँ, आप अनुभव करके देखिएगा, उन बेरों का स्वाद आपको स्पष्ट नज़र आएगा जब सबरी उन्हें चख करके बेर खिला रही थी तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। कभी आप सोचो, आप हर पंक्ति पर, रामायण की हर पंक्ति पर सोचिए। मैं आपको बताऊंगी कि हर पंक्ति की व्याख्या मैं आपके सामने करूंगी कि उस समय पर प्रभु को कैसा लगा होगा। तभी ये कहा जाता है कि भक्ति तो सबरी के जैसी होनी चाहिए, भक्ति जो है वो सबरी के जैसी होनी चाहिए, और भक्तों को स्वीकार करने का भाव जो है वह रामचंद्र जी में हम देख सकते हैं। इसी क्रम में हम बात करें हनुमत की, हनुमत जी की, महावीर जिन्हें कहा जाता है। महावीर का तात्पर्य होता है सारे संसार का सबसे बड़ा वीर व्यक्ति। महावीर क्यों कहे गए, क्यों कहे गए, हमें क्यों नहीं कहा गया महावीर? बहुत सारे सुपरमैन आए, लेकिन हमारा ये जो देव है, ये जो देव है, ये संसार का सबसे बड़ा देवता क्यों है, क्यों है, आपने कभी सोचा? 100 योजन की दूरी को दोस्तों, 100 योजन की दूरी को इन्होंने उड़ करके पार कर लिया था। आप सोचिए कि हम एक कदम भी उड़ेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, हम 10 कदम भी उड़ेंगे ना तो छत से नीचे जा कर के गिर जाएंगे। आप छत से उड़ने का प्रयास कर लीजिएगा। क्यों, जब हमारे धर्म को इस तरह से अपमानित किया जाता है कि कुछ नहीं है ये कुछ, तब हमें इस तरह की बातें लेकर के आपके सामने आना होता है। दोस्तों, अभी पीछे एक घटना हुई जिसमें रामचंद्र जी का पुतला जला दिया गया साथियों, और ये एक बहुत दुखद घटना है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है साथियों, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति का अगर वर्णन करें तो उन्होंने सूर्य जो पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा है, बहुत गुना बड़ा है, अगर आप साइंस उठा करके देखेंगे ना, तो मैं अभी तथ्यात्मक बात नहीं कर रही हूँ वो कितना गुना बड़ा है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक यही है कि सूरज पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा है, और उसको मुंह में फल समझ के रख लिया गया था। हनुमान जी ने सूरज को छोटा फल समझ के, संतरा समझ के मुंह में रख लिया, और सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप सूर्य को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे करने से अंधकार छा गया था। और तब हनुमान जी ने हमारे सूरज को मुक्त कर दिया था। इसी तरह के प्रसंग मैं आपके सामने लेकर के लाइव आती रहती हूँ, तो मेरा चैनल जो है माधवाज कौशल क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर भी हम CBSE स्टडी के सारे टॉपिक्स पर चर्चा करते रहते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो साथियों। यूट्यूब पर मेरा चैनल है जिसका नाम है माधवाज कौशल क्लास, दूसरा मेरा
चैनल है भारत फैमिली रियल ब्लॉग्स, वहाँ पर भी आप मेरे वीडियोस प्राप्त कर सकते हो साथियों। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि भाषा की शालीनता बनाए रखिएगा, कोई भी गलत कमेंट वहाँ नहीं आना चाहिए साथियों, अन्यथा आपको पता है कि अभी YouTube ने और Facebook ने हमें ब्लॉक करने की सुविधा क्यों प्रदान कर रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।